एक बच्चा भी है तो तू दोनों निकल जा घर से, मेरे घर में नहीं रहो, यहाँ पर जगह नहीं रहने के लिए, अपना ससुराल में जाकर घर बना। तो गाइस मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, मैंने आप सभी से झूठ बोला कि मेरा एक बच्चा भी है, आप लोगों से मैंने छुपाया, बहुत बड़ी झूठ बोला है गाइस। थंबनेल में जो देखा आप लोगों ने वो बिल्कुल सच है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते बहुत ही अच्छे होंगे। अभी हो चुका है मॉर्निंग का टाइम, आज है सेकंड एग्जाम आपकी प्यारी बहन सुहानी का। अभी थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट उठे हैं और 9 बजे एंट्री होता है एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर में। इधर है मम्मी जी खाना निकाल रही है, इधर आपकी प्यारी बहन सुहानी खाना खाने में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हो? दही खा रही हो सिर्फ, और कुछ क्यों? ऐसे कहा है नहीं, क्या हो गया? नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता है। इधर आपकी प्यारी सी मम्मी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। सभी लोग को आशीर्वाद दे दो, फिर खाना निकालना आराम से। गुड मॉर्निंग मेरे भाई बहन जितना देख रहे सुबह के पहाड़, जितना बेटा बेटी, सभी का एकदम भरपूर आशीर्वाद है। हाँ, एकदम फौरो फूलो, एकदम बेटा को आशीर्वाद दे रहे हैं, खूब खुश रहो मतलब बच्चों, हमको आशीर्वाद दीजिए। चलिए पापा को खाना खाने देते हैं, ज्यादा पापा को जो है परेशान नहीं करते हैं। इधर मम्मी जी खाना निकाल करके हमारे लिए इंतजार कर रही है, चिल्ला रही है कब से कि सुहानी को जल्दी छोड़ दो, लेट हो जाएगा, है ना? जा माला, क्या मिल रहा है? क्या ले तुमको? क्या हो गया? नहीं चल जाओ, नहीं बताना है। जो खाना करते हैं। और हमारे लिए इधर देख सकते हो निकला हुआ है खाना, ये देखो दही है और इधर दही तुमको खटाना है। वाह बढ़िया, चलिए फटाफट खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग। आओ मम्मी, आओ तुम भी आओ। चीनी धर दी, चीनी रख ना दो। चीनी रख दो, चीनी रख दो, बस हल्का सा, बस 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 बहुत हो गया बस। तो भाई कल स्कूटी का सर्विसिंग करा दिए थे, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है दिखने में, चलाने में भी बेटर लग रहा है। इधर आपकी प्यारी बहन सुहानी आ चुकी है। गाइस अभी पूरे फैमिली रेडी हो चुके, मम्मी जी अभी घर पे रहेंगी, तो सुहानी को चलते हैं अभी शाहपुर पटोरी सेंटर छोड़ देते ताकि एग्जाम दे दे, और आधा घंटा मात्र बचा हुआ है ना। मम्मी पापा से आशीर्वाद ले लो, खुश रहो, खुश रहो, मस्त रहो, अच्छा से लिखो, जो पास करो, नाम रोशन करो, बिल्कुल सब तुम्हारे भाई सब दिख रहा है, बहन सब दिख रहा है। चलिए टाइम हो रहा है, मिलते हैं आप लोगों से रास्ते में। जस्ट अभी सेंटर पे पहुंच चुके, वहाँ पे सुहानी खड़ी है, तो सुहानी का एडमिट कार्ड को जो है पन्नी करवा देते हैं, क्योंकि 20 रुपया भले ही नहीं खिला पाएंगे सुहानी को, ना खा पाएंगे, लेकिन उसका जीवन सुरक्षित रहेगा, एडमिट कार्ड रहेगा तो उसे पन्नी करवा देते हैं। अभी थोड़ी देर में सुहानी सेंटर के अंदर चली जाएगी, तो फिर हम लोग वेट करेंगे या फिर इधर उधर घूमेंगे। देखिए तो गाइस जब बारी है सुहानी को सेंटर में जाने की, आज भी ठीक से लिख करके आना, ठीक है? नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा तुमको खाने के लिए, ठीक है? जाओ। तो गाइस सुहानी चली गई है सेंटर के अंदर परीक्षा देने के लिए, अभी थोड़ा गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते हैं, हम घर पहुंच सके। अभी देखते हो अभी मौसम का ऐसा नज़ारा है हमारे शाहपुर पटोरी में, हल्का धूप निकला हुआ है, तो चल चलिए गाड़ी में पेट्रोल भी डला लिया, पैंट पहन लिए थे, और ये वाला इंजन देख सकते हो क्या है, कमेंट करके बताना। यहीं पे आकर के एक वीडियो शूट किया ना पापा, है ना? तो एक हमारे रेलवे के अधिकारी थे, वो हमको पहचान गए, बोले आपका वीडियो देखते हैं हम, तो उन्होंने ही परमिशन दिया था कि इस पर वीडियो शूट कर सकते। हालाँकि देखिए रेलवे एक सरकार की संपत्ति है, वहाँ पर फोटो लेना विदाउट परमिशन, वीडियो लेना ये इनलीगल है, लेकिन परमिशन ले कर वीडियो बनाया। तो गाइस अभी हमारे पापा वेट कर रहे हैं मछली पालन जहाँ पे होता है, ये देख सकते हो लोकेशन आप लोगों को हम दिखा चुके हैं, यहाँ भी मन करेगा तो एक वीडियो भी शूट करेंगे। यहाँ पे पापा जी हैं, तो हमारे पापा कैमरा पकड़ के वीडियो शूट कर रहे थे, तो एक रेलवे के अधिकारी थे, वो बोल रहे थे कि पढ़ाई लिखाई करो, ये क्या कार्टून वाला कपड़ा पहन के वीडियो बना रहे हो, है ना? ऐसे करके बोल रहे थे। तो हम मेरा मन किया कि कुछ बोले उनको कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो पापा मना कर दिए। पापा बोले कि ज़्यादा किसी को बोलना अहंकार कहलाता है ना पापा, इसलिए मत बोलो। तो
वहाँ के एक रेलवे अधिकारी हालांकि पहचान भी रहे थे, तो शायद वो उनको बता दे ऐसा। यहाँ पे हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे गांव में अक्सर ऐसा होता रहता है, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये क्या कर रहा है, मतलब ऐसे ही कुछ है इसमें पैसा वैसा है कि नहीं, मतलब ये सब चीज़ों को लेकर। तो वो अच्छा ही बोल रहे थे, तो हमने सोचा कि ये व्लॉग में बता दे। तो ऐसा ना सोचे अगर गाँव वालों से देखे तो इसमें फ़ायदा है, तभी तो हम लोग लगे रहते हैं, और जीवन में कुछ अच्छा जगह पे जाएंगे तभी तो इसमें दिन रात मेहनत करते रहते हैं ना। कल अदरवाइज वीडियो को शूट करते हैं, और अभी 10:36 हो रहा है, तो यहाँ पे भी कोई नहीं है भैया लोग, यहीं पे अपना गाड़ी को भी लगा देते हैं और कोट पैंट लेकर के एक बढ़िया से गाना होगा तो अंदर जा कर के नीचे शूट करके फिर वापस आ जाते हैं। चले पापा, कम से कम सुहानी को भी समझे ना कि 2.5-3 घंटा है अभी। और यहाँ देख सकते हो सुहानी के लिए पानी भी भर कर रख देते हैं, ताकि हमारे जो है सुहानी पानी पी सके, आराम से खाना होना जो है पैसा वैसा बचा करके रख लेते हैं, वो खा सके है ना, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। भाई जब ये ऐसा जगह देखते हैं ना, ये मचान, ये बांस का करची का बना हुआ, ये फट्टा का, बांस का फट्टा बोला जाता, तो बड़ा अच्छा लगता है। देखिए वहाँ पे एक तकिया रखा हुआ है और चारों तरफ अंधे एकदम। अपने पुराने वाले लोकेशन में आ चुके हैं, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे वीडियो देखा होगा। तो पापा ना हम यहाँ पे क्या नोचने आए थे पापा, मोथा वाला ना, उसको क्या बोलते, मोथा ही बोलते हैं ना, घास मोथा बोला जाता है, वो वाला जो होता है वो बकरी और खरगोश के लिए। लेकिन अभी सीन ऐसा हो गया ना कि खेत का जुताई हो रहा है, देखो ट्रैक्टर वहाँ पे लगा हुआ है, पूरा घास जो है नष्ट हो गया, रास्ता भी बीच में बंद हो गया ना पापा जाने के लिए, हम लोग का लोकेशन बंद हो जाएगा, बताइए। ऊपर से टाइम नहीं गुजर रहा है सुहानी का, कल तो टाइम गुजर गया था, कल टाइम भी नहीं बचा था, कल हम लोग और ज़्यादा सोच रहे थे कि शूट करें पर बचा ही नहीं। आज सोच रहे हैं कि वीडियो बना लें, तो वीडियो बना लिए फिर अभी मन ही नहीं कर रहा, 3-4 वीडियो एक ही प्रकार का बनाएंगे तो लोग कैसे देखेंगे। सुहानी आती है तो फिर कोशिश करेंगे, इधर ही एक बार आएंगे बना करके फिर चलेंगे। भाई आज के दिन ऐसा है ना कि टाइम भी नहीं गुजर रहा है, ऐसा सीन हो रहा है, 11:55 हो रहा है समझिए। कल हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे ना तो 12:30 हो गया था, हम लोग सोच रहे जल्द से जल्द शूटिंग ख़त्म करें उसके बाद जाके सुहानी को रिसीव कर ले, लेकिन आज जो दिन कटने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि दो ऑलरेडी शूटिंग कर लिए, जैसे सुहानी से मिल के आए फटाफट, एक मार्केट में हमने शूट करा, फिर एक रेलवे स्टेशन पे, तो दो रेलवे स्टेशन पे शूट किया। भाई टाइम पास नहीं हो रहा है तो पापा बैठ गए हैं वहाँ पे, देखिए मस्त और ये पेड़ है एकदम, ठंडी ठंडी छाँव है, वहीं पे जाके बैठे हुए हैं, अभी तक वेट कर रहे हैं कि 12:45 हो तो सुहानी को जाकर के रिसीव कर ले, है ना पापा। ऐसा सीन है क्योंकि घास भी नहीं ला पाए हम लोग जब तक गए, क्योंकि कल ही पापा बोल रहे थे कि जिस खेत में शूटिंग करने जाते हो ना वहाँ पे घास बहुत बढ़िया है, तो हम बोले कि पापा चलेंगे ना किसी और दिन आराम से, वहाँ गए नहीं, 2 दिन नहीं गए शूट करने के लिए, तब तक खेत जो है जुतौनी हो गया, तो सारा घास ही पूरा ख़राब हो गया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं। तो ये टाइम पास नहीं हो रहा है तो हम पापा के पास में हम बैठ गए आकर के, पापा ऐसे बैठे बैठे सारे वादियों को देख रहे हैं, हरा भरा जगह को, पीछे हमारा स्कूटी है और बहुत ज़ोर से हमको भूख लगा हुआ है, पापा को भी लगा हुआ है। अभी सुहानी जैसे आएगी तो उसको नाश्ता पानी करवाएंगे, पूछेंगे मालिक साहब किसी चीज़ का कमी है, फिर उसके बाद वो खा पी लेगी, फिर उसके बाद घर ले जाएंगे, ऐसा सीन होता। अभी 3 घंटा हम लोग इंतजार करते हैं ना पापा, तब जाके सुहानी अपना एग्जाम लिख करके आती है। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है आपकी सुहानी बहन को लाने का, और 12:40 हो रहा है, 5 मिनट बचा हुआ है, तो जस्ट पहुँचते हैं, अभी सुहानी निकलने वाली ही होगी। भाई फाइनली आपकी प्यारी बहन सुहानी एग्जाम लेकर के आ चुकी है, और सामने देखिए भीड़ लगा हुआ है। देखो सामने कौन है, सुहानी बोली रुक करके देख रही है, देखिए नील गाय का बच्चा सब छोटा छोटा, ये देखिए ये देखिए, हम रास्ते में जा रहे तो दिख गया था, ये हम सब भाग रहे हैं ना, आ जाओ ले 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 ले, सब भाग रहे हैं ना कितना वह जस्ट अभी हम घर पे पहुंचे हैं, लेकिन घर में लगा हुआ है ताला, क्योंकि मम्मी गई है बाबू के छठी के लिए कपड़ा लेने के लिए मार्केट में, तब तो जाना होगा मम्मी को लाने के लिए। ठीक है आप दोनों रुको, हम ला रहे हैं मम्मी को, तब दरवाज़ा खुलेगा चाबी उन्हीं के पास में। तो भाई फिलहाल दुकान पे पहुंच चुके हैं, ये बाबू के लिए मम्मी लिए स्टॉल, कपड़ा देखे मम्मी, कपड़ा कौन सा है वो बोला है कि देखो फेंको तो बाबू, अरे वाह ये रागिनी का बेटा के लिए, मम्मी बड़ा शौक से खरीदने आई है, चलो ना जल्दी से
हाँ चलो है। अच्छा जस्ट अभी हम घर पे पहुँचे हैं, मम्मी जी बोले कि अभी मार्केट करना है तो वहीं पे आराम से वो आएगी। तो सुहानी क्या कर रही है कि क्वेश्चन मिला रही है ना कि कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं कौन सा सही है। आज कितना नंबर लिखी हो? बहुत सारा लिखी हूं। बहुत सारा, मज़ा आ गया ना आज? आज बहुत जल्दी छुट्टी भी हो गया ना, हमें लगा था 12:45 में हम ही लोग लेट कर दिए। इधर पापा जी भी अपना कपड़ा वपड़ा उतार रहे हैं, नहीं खाएंगे। चलो हम बोले कि तुमको प्याज भूज करके दो, बहना मेरी तो प्याज नहीं भूज के तुम दी। मैं तो भी नहीं हम तो खाए भी नहीं करेंगे, हम तो हम नहीं खाएंगे, हम खाए भी नहीं करेंगे। रोने से क्या होगा? देखिए हमको देखिए कैसे जो है कुछ भी बना करके दे देती खाने के लिए और अपना रो रो करके हमको बोल देती है, मना देती है। मम्मी आ गए तो तुमको शिकायत करेंगे अभी हम। हाँ तो कर दीजिए, हम कहेंगे थक के आए हैं इतना से नहीं लिख रहे हैं। अच्छा ठीक है तो खा लेते हैं, थक गए इसलिए खा लेते हैं, दया में आकर के छोट बहन इसीलिए हम मतलब मार के जब्बा बाहर कर देते हैं। अच्छा नहीं हम खा लेते हैं, ऊंचे टीले वाले मंदिर का छोटा पंडित अभी ये वाला सीन किए हैं, आप लोग जाकर के देखो हमारी वीडियो को। मम्मी आ जाओ, सभी लोग आ जाओ यहाँ पे एक बार वीडियो में आ जाओ। आइए पापा आइए सुन आ जाओ। और डॉक्टर साहब सुना अफ्रीका से कोई पागल डॉक्टर आया है। हाँ तो मेरी एक संख्या है। हाँ तो जाके बजाओ ना। मैं पागल हूँ। कौन बोलता है? लोग बोलते हैं मैं बदला बदला से लगता हूँ। आपका क्या ख्याल है मंत्री जी? डॉक्टर हूँ मैं, मंत्री नहीं। अरे मोर उड़ाओ। अच्छा सच में मैं बदला बदला से लगता हूँ? कौन बोलता है? लोग बोलते हैं मैं बदला बदला लगता हूँ। यही डायलॉग इसको पूरा याद है ना। बताइए कैसा लग रहा है? हम दोनों भाई बहन एक्टिंग करते रहते हैं, हम राजपाल बने हैं, आपकी प्यारी बहन सुहानी बनी है, डॉक्टर बनी है। यही सीन करने में बहुत टाइम लग गया, पापा कर ही नहीं पा रहे थे, मम्मी भूल गई, कभी अगरबत्ती भूल गई, कभी हाथ में लगाने वाले सिंदूरी भूल जाते थे। एक मिनट का वीडियो शॉर्ट वीडियो है गाइज, उसे अपलोड करने में एडिटिंग करने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है ना, सच बताएं तो समझिए कि पूरा 24 घंटा का व्लॉग शूट करते वही हो जाता है। तो गाइज जस्ट अभी नहा हुआ के फ्रेश हुए हैं, अभी बैठे हुए थे कुर्सी पे, मम्मी पापा से बात कर रहे थे, इधर पापा जी आलू छीलने में लगे हुए हैं और वीडियो को पोस्ट कर दिया। भाई साहब रिकॉर्ड टूट गया, आप यकीन नहीं करोगे, 50 मिनट के अंदर 44,000 व्यू और 8,000 से ऊपर लाइक गया। इंस्टाग्राम पे जाओ आप लोग जाकर के देखो, मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट, ऊपर से साथ ही साथ यूट्यूब पे भी शॉर्ट वीडियो डाल दिए हैं। राजपाल यादव सर का एक्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उनका किरदार करना भी एक बहुत ही एक यूनिक किरदार होता है, जो उनमें ढलना एक अलग ही बात होता है। हल्का गाइस मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, मैंने आप सभी से झूठ बोला कि मेरा एक बच्चा भी है, आप लोगों से मैंने छुपाया, बहुत बड़ी झूठ बोला है गाइस। थंबनेल में जो देखा आप लोगों ने वो बिल्कुल बिल्कुल सच है और काफ़ी लोग इस पर वीडियो भी बना रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, तो यही बात यही सच्चाई है गाइस। एक बच्चा भी है, एक बच्चा भी है, तो तू दोनों निकल जा घर से, मेरे घर में नहीं रहो, यहाँ पर जगह नहीं रहने के लिए, अपना ससुराल में जाकर के घर बना, और नहीं तो जा बगल वाला खेत है उसमें घर बना कर रखो, अपना बीवी बच्चा को यहाँ नहीं चलेगा, रहने नहीं देगा, बच्चा है करता है गाइस। इसी चीज़ को लेकर के मैं छुपाना चाह रहा था कि ना बताओ अपने ऑडियंस ना बताओ, क्योंकि मम्मी पापा सभी लोग गुस्सा कर रहे हैं, तो बस माफ़ी चाहते हैं और आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो चीज़ें सामने हैं वो चीज़ को बताना ज़रूरी है और लोग इसी चीज़ को वीडियो को बना करके भी सब व्यू ले रहे हैं मेरे नाम से, तो मैंने भी सोचा कि चलो इस चीज़ को बता ही दिया जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, समस्तीपुर से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट कीजिए, आदर्श से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट, बगल में इंस्टाग्राम करके जाकर फॉलो कर लीजिए, अपना की वीडियो निकाल कर मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।